प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप तो जब ध्यान करते ना, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, पता है क्यों? कि आप ध्यान करते ना, आपका चेहरा ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है अगर भगवान आता होगा तो भी भाग जाएगा। ऐसे ऐसे प्राणायाम करते हैं आप, क्या ऐसे ऐसे प्राणायाम करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं? एक बार ज्ञानेश्वर महाराज किसी नदी के तट पर बैठे थे। नदी के तट में एक बालक नहा रहा था, माता और बालक दोनों नहा रहे थे। नहाते नहाते बालक का पैर फिसल गया, फिसल गया तो नदी में बीच मझधार में चला गया। बहुत जोर जोर से माँ ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके पास एक महात्मा बैठे थे जो माला कर रहे थे, माला करके आंखें बंद, हो विठल। उसने इतनी जोर से आवाज सुनी और उसने आंख खोली, ओ विठल माजा विठल। ज्ञानेश्वर कूद पड़े नदी में। ज्ञानेश्वर कूद के उस बालक को बाहर निकाल कर ले आए, उस बच्चे को बाहर लाकर उस महात्मा के पास खड़ा किया और महात्मा को ज्ञानेश्वर ने पूछा कि महात्मा आंखें खोलिए जरा। उसने आंखें खोली, बोले कि आप क्या कर रहे हैं? बोले देख नहीं रहे हो, जप कर रहा हूं, जप, प्राणायाम के साथ जप। ज्ञानेश्वर ने पूछा, क्या आपको इस बालक की आवाज सुनाई दी थी? बोले मैं ध्यान कर रहा था, वो विट्ठल को याद कर रहा था, उसके आगे सब कुछ फीका है। तो बोले जब ऐसा किया आपने तो क्या ईश्वर के दर्शन हुए आपको? भगवान विट्ठल दिखे क्या आपको? बोले नहीं, विट्ठल तो नहीं दिखे, पर मन को एकाग्र कर रहा हूं विट्ठल को देखने के लिए। ज्ञानेश्वर ने बोला, धूल पड़ी तेरी उपासना पर कि सामने कोई डूब रहा है और तू ध्यान में बैठा है, ऐसी उपासना भगवान स्वीकार नहीं करता। अगर सामने सहायता के लिए आपके कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप ओ विठला, वो भाग जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करके उसकी सेवा करने का कमिटमेंट कृष्ण का है। यदि हम भी ऐसे ही कमिटमेंट भगवान को करते हैं, प्रत्येक प्राणी को करते हैं, तो हम कृष्ण के जीवन को अपने जीवन में उतार सकने में समर्थ होते हैं। हमने सही रूप में जन्माष्टमी मनाई, केवल नंद घेरा आनंद भयो अच्छा लगता है, मक्खन खाना भी अच्छा लगता है, पर उसके जो प्रतिकूलताओं में जो उसने सदा मुस्कुराने का मक्खन खाया है, अगर जिस दिन हम वो सीख जाएंगे, हम सच में मक्खन खाने के योग्य हो जाएंगे, असली वाला मक्खन खाएंगे। इसीलिए हम आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि आप लोग मेरे को दे सकते हो कि सुबह सुबह जब उठोगे अपना चेहरा अनुभव करोगे कि आप मुस्कुरा रहे हो या नहीं रहे हो। अगर नहीं तो अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाओगे। जब आप तैयार होकर बाहर जाते हैं और आईने के सामने खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आप। शायद मेकअप करते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पर अगर उस स्माइल चेहरे पर अगर आपकी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, इसके जैसा तो परमात्मा ने नेचुरल श्रृंगार नहीं दिया किसी को। मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, आप प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न रखें, ये कमिटमेंट करें अपने आप से। कृष्ण का जीवन एक कमिटमेंट है, त्याग है, उसमें एडजस्टमेंट है, और जहां त्याग है, सैक्रिफाइस है, वहां खुशियां तो दौड़ दौड़ कर आती। कृष्ण का जीवन सच में आप देखो ना, मुसीबतों से भरा हुआ। प्रैक्टिकली एक मिनट वो शांति से बैठा नहीं है बंदा अपने पूरी जीवन में। कभी महाभारत का युद्ध होता है, कभी किसी को मारने का होता है, कभी किसी से चाल चलने का होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर भी इस युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में निकलता है उसके मुख से। तो हमें क्या ऐसा हो गया? हमारा छोकरा कया नहीं मानता, तो यहां तो छोकरा कया मानता नौता, एने की तू संतों नु अपमान न करता तो करियो ने, एटले मरी गया बधा। वो शांति दूत बन गए, बनकर गए, एक बात उनकी मानी नहीं।
तो अगर हमारी बात नहीं मानते या अगर थोड़ा ऊंच नीच होता तो इस संसार में तो ऊंच नीच होता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सारी सफलता मिलती है? कोई भी व्यक्ति नहीं। क्या आप पहले ही हो ऐसे जिसको बहुत दुख पड़ते हैं? आप अभी मुझे अपने आप से पूछकर जवाब दीजिए। अगर हाँ, आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिस पर इतने सारे दुख आए, तो हाथ ऊपर करो। कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं। क्या ऐसे आप आखिरी व्यक्ति हो जिस पर इतने सारे दुख है? नहीं। बस तो फिर क्या करना है? कृष्ण का वो सूत्र अपने जीवन में अपनाना है, सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो। सुख आता है या दुख आता है, लाभ होता है या हानि होती है, जय होती है या पराजय होती है, यदि आप समत्व बनाना सीख गए तो आपने जीवन को विजयी बनाना सीख लिया। वरना तो दुख तो सभी के पास है। बाबा भगवान राम भी राज्य होते होते वनवास चले गए, बीवी उठाकर भाग गया वो। क्या आपकी बीवी गई क्या कभी ऐसे? कोई राक्षस उठाकर गया? मुझे तो लगता है अगर आपकी बीवी राक्षस उठाकर ले जाए तो आप पुलिस में कंप्लेन भी ना करो। सोचो अच्छा हुआ चली गई। खैर ऐसा नहीं है, कुछ लोग अगर कंप्लेन करें भी तो आप ऐसे एफर्ट्स नहीं लगा सकते जो राम ने लगाए। कमिटेड है वो सीता से, लंका तक चले गए। क्या आप जा सकते हो? आपकी तो बीवी परदेश चली गई तो छोड़ने में जती है क्या? एक दंपति आते थे, लड़ते रहते थे। मैंने कहा अगर तुम्हारी पत्नी को कोई उठाकर ले जाएगा तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? संभालो उसको। अगर भाग गई तो? बोले भाग गई तो अगले दिन वो दूसरा छोड़ने आ जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए। वो भी सोचेगा तौबा करूं इससे, कोई एक दिन नहीं रखेगा इसको। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के केवल वीक पॉइंट्स निकालने में पड़े हैं। वो ऐसी वो वैसा, वो वैसी वो वैसा। कोयले की खदानें बहुत होती है, हीरा तो एक ही निकलता है। हमें कोयला नहीं उठाना, हीरा खोजने अंदर जाना है। तो ये सारा संसार दोष से परिपूर्ण है। अपने लोग भी दोषी हैं, हम स्वयं भी दोषी हैं। पर यदि हमें इसमें से कुछ उठाना है तो उसका सद्गुण देखकर हमें उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। आपकी इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे दोष हैं, हम मानते हैं, पर एक सद्गुण तो होगा ना। और उसका ये सद्गुण है कि वो आपका है। क्या ये कम सद्गुण है उसका? उसकी आपके प्रति निष्ठा है, वो आपका अपना है, क्या वो कम सद्गुण है? चलो उसको भी छोड़ो, उसको आपके प्रति निष्ठा नहीं है, पर उसमें भी परमात्मा झिरमिर झिरमिर झलकता है, क्या वो कम सद्गुण है? ईश्वर की सत्ता ने आपका संबंध बनाया है, क्या वो कम सद्गुण है? कोयला मत ढूंढिए, कोयला ढूंढने से हाथ काले ही होते। इन सारे दोषों से ऊपर उठकर उसमें हीरा खोजने का यत्न करो, आपको मिलेगा, सद्गुण का हीरा मिलेगा। इस सारे जड़ चेतन सांसारिक पदार्थों में एक जगमग हीरे की तरह परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है, उसे हमें प्राप्त करना है। कब? ये दोषों से ऊपर उठ के, ये ऐसा वो वैसा, हम कैसे हैं हमें वो देखना है। तो आपके पास जो कुछ है, कल मैंने कहा था कि आप कमिटेड हैं देश के प्रति, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, अपने आप के प्रति अपना कमिटमेंट होना चाहिए, उन लोगों के प्रति जिनके लिए आप असहायों के लिए सहायक बन सकते हैं, अभावग्रस्तों के लिए आप भगवान बन सकते हैं, उन लोगों के लिए आप कमिटेड रहिए। जहाँ कहीं पर भी जिस किसी को आपकी आवश्यकता है, जिस किसी को भी आप दुखी देखो, उसकी शब्दों के द्वारा सेवा करो, उसे आशा बंधाओ, उसे ढाढ़स दो, उसे बल दो, ये आपकी सेवा है। शारीरिक रूप से अगर कोई आपकी सहायता चाहता है उसे शारीरिक रूप से सेवा दो। यदि आप ऐसा करने में समर्थ होंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप कभी दुखी रह सकते। और हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, सुखी होने का एक ही मात्र, एक ही और एक ही उपाय है, वो है त्याग करना, दूसरों के लिए त्याग करना। यदि हम त्याग करने में समर्थ हैं, हम सुखी होने में समर्थ हैं। पर हमें क्या चाहिए? मेरा अधिकार मुझे मिले, दूसरों का अधिकार भी मुझे मिलना चाहिए। दूसरों के अधिकारों की रक्षा हम नहीं करते, अपने अधिकारों की रक्षा करते। आप दूसरों को सम्मान दे दो, आप सम्मानित हो जाओगे। दूसरों को आप अधिकार दे दो, आप अधिकृत हो जाओगे।
बहुत सरल है, केवल आपको याद ही करना है कि मुझे हंसना है और मुझे मुस्कुराना है। अगर आपको कोई गाली देता है ना, उस समय भी भले आपको उस समय थोड़ा लगता है, फिर भी आपकी कमिटमेंट को याद करो कि मुझे मुस्कुराना है। आपके सुख दुख समय कृत्वा में आप ये चरितार्थ कर सकोगे अगर आप मुस्कुराते रहे। और साथ साथ दूसरों का भला करते रहिए। आपके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग पड़े होते हैं बेचारे परेशान होते रहते हैं। एक व्यक्ति सेठ समझकर अपने आप का दंभ का पोषण करता है, पर झुककर उसे सामान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे घर में भी कोई चीज़ें गिर जाती है तो हम उठाकर अपनी पत्नी को या माँ को नहीं देते, पता नहीं कौन सा अहम छोटा हो जाता है। मदद करिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के सहकार से जगत चलता है। अगर ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना देते तो आप जीवित ना रहते। अगर सूर्य प्रकाश ना देते तो हम बिना लाइट के अंधेरे में रहते। एक दूसरे के पोषण से ये जगत चल रहा है। तो जब परमात्मा ने अपने सूर्य का बिल नहीं दिया है तो आप किसी से मदद रूप होके या मदद रूप मदद करके आप किसी से अपेक्षा क्यों रखो कि आपको धन्यवाद देवे। हम चाहते हैं कि हम किसी को अगर कुछ देते ना तो वो हमारी जी हजूरी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो उसके लिए योग्य था वही आपने दिया है, जिसके लिए वो अधिकारी था आपने वही दिया है उसको। उसमें घमंड किस बात का? आप तो कुछ लाए नहीं थे। तो आप अगर किसी की सहायता करते हैं, निरअहंकार होकर करिए, अपेक्षा रहित होकर करिए। अपेक्षा मत रखिए कि मुझे कोई कहेगा वाह साहब वाह, आपने ना मेरा जीवन बना दिया है। क्या मुझे ये बताइए, आपकी ये उदार वृत्ति किसी को सहायता देने की, क्या उसके लिए धन्यवाद के दो छोटे शब्द जितना ही मूल्य है उसका? नहीं। यदि आप मूल्य नहीं लेते हैं तो परमात्मा उसका मूल्य करेंगे। उसे करने दो, उसके अकाउंट में जमा होने दो वो चीज, और वो जो मूल्य करेगा ना सबसे श्रेष्ठ करेगा। अपेक्षा रहित, आशा रहित सेवा हो, अपेक्षा रहित सेवा हो, निरअहंकारी होकर सेवा हो। कृष्ण जूती छुपाते हैं ना द्रौपदी की, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े कान्हा, इतने बड़े केशव, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा धर्म का शासन करने वाला, इतना बड़ा धर्म की स्थापना करने वाला, और द्रौपदी की जूती छुपाने में उसको संकोच नहीं होता। क्यों? वहां उसकी जरूरत है, जूती छुपाता है वो। इतना राजा होने के बाद जूती छुपाना कितनी गलत बात है। आप तो अपने मां की जूती भी ना उठाओ शायद, वो द्रौपदी की जूती उठाता। निरअहंकार, अहंकार नहीं है उसमें, अपेक्षा नहीं है। ये नहीं सोचता है कि मैंने गोपियों को या उन ग्वाल बालों को माखन खिलाया तो जब मैं युद्ध करने जाऊं तो ये सारे हुष्ट पुष्ट होके मेरे साथ युद्ध करें। नहीं, उसकी अपेक्षा है, उसने अपना कर्तव्य किया है बस, क्योंकि उसे करना चाहिए, क्योंकि वो कमिटेड है मानव मात्र के लिए। उसमें आपने कुछ दे नहीं दिया है, आपने वही किया है जो आपको मिला है। आप कहीं से लाए नहीं, ईश्वर ने दिया है, आपने दिया, आपका क्या है इसमें? प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा, तेरा।